हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि जो दोस्तों फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसमें दोस्तों ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं। चाहे दोस्तों फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर ईमेल आईडी चेंज करना सीखेंगे तो गाइस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों जो भी नए वीडियो है उनके लेटेस्ट अपडेट और उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमें इंटरफेस मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, जो अकाउंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन कर लेना है। पहले तो मैं अपने अकाउंट नंबर को यहाँ से दोस्तों लॉगिन भी कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आगे की डिटेल के लिए दोस्तों हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारी ईमेल आईडी कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है और थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ से वापस से नहीं हुआ तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। पता नहीं दोस्तों कुछ इशू बता रहा है, ठीक है। तो ऐप को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर वापस से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन में वापस से आने के बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आता हूँ तो ये इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल में बदलाव करा है, इस पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल में बदलाव करने के बाद यहाँ पर आता है दोस्तों मेरा अकाउंट और नीचे यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। इस तरीके से आपका उपनाम सबमिट करें और नीचे कुछ डिटेल भी आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। तो तब तक यहाँ पर आपको थोड़ा सा करना दोस्तों वेट कर लेना है। और यहाँ तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ईमेल अपडेट करें पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों जो अभी आपकी मेल रखनी है इसको हटाकर जो मेल रखनी है वो यहाँ पर दोस्तों है जी, मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ और अपडेट पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर दोनों पर ही एक ओटीपी आएंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले इस वाले ओटीपी को डाल देंगे 6 6 7 4 7 7 5, ठीक है। तो यहाँ पर 6 7 4 7 7 5 यहाँ पर तो एक ओटीपी हो चुका है। और दूसरी मेल पर जो हमें ओटीपी मिला है दोस्तों इस मेल पर आया है 6 3 1 5 7 3, ठीक है 6 3 1 5 7 3। तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा नई जानकारी अपडेट कर दी गई, यहाँ पर आईडी छोड़ दी गई, ठीक है। इस तरीके से आप ईमेल आईडी को दोस्तों चेंज कर पाओगे। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों जो भी नए वीडियो आएँ उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।